अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्रार एंड दिस इज़ माय अनदर व्लॉग। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़े मज़े की चीज़। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, जिन्होंने वीडियो देखी है पहले मेरी वीडियोस जो हैं, मैंने 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने पाकिस्तान के कोयले के बारे में बात की थी और पूरी वीडियो ही उसी टॉपिक पर रखी थी कि पाकिस्तान में कोयला कितना मौजूद है, कितने साल तक यूज़ किया जा सकता है और पाकिस्तान इससे कितना फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन कल मैं पढ़ रहा था, जावेद चौधरी हैं, वो कॉलम निगार भी है और टीवी पे जो है शोज़ भी करते हैं, कल मैं उनका कॉलम पढ़ा है और उसमें मैंने वही डिटेल पढ़ी है। मेरा थोड़ा सा फिगर का यानी उनसे फ़र्क था, यानी मैंने जो वीडियो में और मैंने जो सर्च करके देखा था उसमें 185 बिलियन टन पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व्स हैं वो कोयले की हैं, और उसमें जो मैंने अपनी रिपोर्ट में पढ़ा था 331 साल तक पाकिस्तान कोयले से खाली बिजली बनाए तो 331 साल तक बिजली ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो मैंने जावेद चौधरी का कल कॉलम पढ़ा उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास 187 बिलियन टन कोयला मौजूद है और अगर पाकिस्तान इसे बिजली बनाता है तो पाकिस्तान 500 साल यानी 5 सदियाँ ये कोयला ख़त्म नहीं हो सकता, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें 500 साल तक भी बनाते रहें तो ये इनके पास इतना लंबा टाइम पीरियड है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊं, आपको पता है पाकिस्तान का टोटल यूज़ कितना है बिजली का? 35,000 to 40,000 ये मेगावाट बिजली जो है ना पाकिस्तान इस टाइम यूज़ कर रहा है, जिसमें शॉर्टेज हमेशा रहती है इनको। और अगर मैं बात करूँ कि ये जो कोयले से बिजली बनाएंगे तो 1,00,000 जो मेगावाट बिजली है वो बनती है। अब पाकिस्तान का यूज़ कितना है और बिजली कितनी बनेगी? अगर पाकिस्तान अपने कोयले से बिजली बनाए तो पूरी आवाम दिन रात जितनी मर्जी बिजली यूज़ करे तो 1 रुपया बिल गवर्नमेंट ना भी लेना तो गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये देखें, हाल देखें इस मुल्क का, इन सियासतदानों का। एक चीज़ अभी, सिर्फ एक चीज़ है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था मैं सिर्फ अभी एक चीज़ के बारे में बात करूंगा, पाकिस्तान के पास क्या क्या नहीं है। पूरी दुनिया के पास कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान के पास इस ज़मीन के अंदर मौजूद है। इस ज़मीन में तो आप बीज ऐसे फेंक दो तो वो कितनी जल्दी जो है ना वो अपना जो है ना वो फल देना शुरू कर देता है, वो दरख्त बन जाता है। तो आप ये देखें कि इस ज़मीन में क्या कुछ नहीं है। इसमें सोना है, इसमें चांदी है, इसमें पहाड़ आपको मिलेंगे, इतनी इतनी जखीरे हैं इधर इस ज़मीन में मौजूद। लेकिन क्या है, नीयत साफ़ नहीं है। नीयत किसकी साफ़ नहीं है? आवाम तो सब कुछ कर रही है, आवाम आगे चलने की तैयार है। इस टाइम जितनी आवाम गुस्से में बैठी हुई है ना कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। और एक और बात करूँगा, आवाम भी बेवकूफ़ों की तरह पीछे लगी हुई है, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा जो वीडियो देख रहे हैं, काइंडली एक टॉपिक पकड़ लो यार, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। इस मुल्क को हम सिर्फ कंपेन चला सकते हैं, हम सिर्फ इसके ऊपर एक पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। हम ना ये चीज़ें खुद निकाल सकते हैं, हम सिर्फ पॉइंट आउट करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ट्रेंड चला सकते हैं। ट्रेंड चलाएं, खुदा का नाम है इस मुल्क के पास बहुत कुछ है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ जब इधर बरे सगीर पाको इनमें आए थे तो इन्होंने कहा था कि ये सोने की चिड़िया है, उन्होंने वो पागल नहीं थे, उन्होंने ऐवी नहीं कहा सोने की चिड़िया। आपका सिर्फ कोयले से बिजली बना लेना, आप अपनी जितनी मिलें हैं, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी आपकी फर्म्स हैं उधर, आप उनको ये कह दें कि हम इतने साल के लिए आपको फ्री में कर रहे हैं बिजली दे रहे हैं, और बाहर की कंट्रीज़ में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको आप पाकिस्तान में बुलाएं, उनको कहें कि हमारी तरफ से आपको टैक्स फ्री है, आप इधर प्रोडक्शन करें, आपको बिजली फ्री है। उसके बाद देखें आपके जितने हमसाए मुल्क हैं, मेरे ख्याल से वो चाइना नहीं जाएंगे, वो इधर मुल्क आके इधर से परचेज करेंगे, आपकी आवाम अमीर हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट अमीर होगी, आपका मुल्क सिर्फ गिन के, मैं बहुत ज़्यादा पीरियड कह रहा हूँ, 2 साल बाद आप कहेंगे ना कि आपके मुल्क में 1 रुपया भी कर्जा हो। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कोयले और कोयले से बनने वाली बिजली की बात कर रहा हूँ। कहाँ 1,00,000 मेगावाट, कहाँ 35,000 से 40,000 मेगावाट जो हमारी यूज़ की है। आप तो दूसरे मुल्कों को बेच सकते हैं बिजली, क्यों, आखिर क्यों ये नहीं हो रहा? उसकी सबसे बड़ी रीज़न है, हम लोग कहते हैं अंग्रेज़ जो है ना वो गैर मुस्लिम जो है वो शराब पीते हैं, हराम है, वो कुत्ते खाते हैं, बिल्लियां खाते हैं, सांप खाते हैं, वो सारी चीज़ें हराम खाते हैं। लेकिन एक बात कहूँ,
वो अवाम का हक नहीं खाते, यहाँ पे अवाम का हक खाया जा रहा है। हमें नहीं पता वो खाते क्या हैं, हमारे पॉलिटिकल बंदे जो हैं, पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं वो क्या खाते हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन वो अगर एक चीज़ खा रहे हैं ना जिसकी बख्शिश नहीं होनी कभी भी इंशाल्लाह, वो अवाम का हक है। वो अवाम का हक खा रहे हैं, उसकी बख्शिश नहीं होगी। गैर मुस्लिम अपने जानवर की भी कदर करते हैं, उनका सड़क पर कोई जानवर भी होगा ना वो उसकी भी कदर करेंगे। हम तो फिर मार देते हैं, हम खुद मारते हैं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगा, क्योंकि हम खतरा महसूस करते हैं। और बिलीव करें इस मुल्क में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आप एक मिट्टी पे भी कई मारे ना तो कहते हैं ना सोना उगलती है, और वाकई सोना उगलती है, क्योंकि इस मुल्क की मिट्टी दूसरे मुल्कों में जाके काश्तकारी हो रही है, स्पेशली अरब कंट्रीज़ में। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन रिक्वेस्ट है कंपेन चलाएँ, कंपेन चलाएँ अपने लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए। ये ना देखें आज हम खा रहे हैं कल की आएगी, कल देखी जाएगी, क्यों, तभी हम लोग पीछे रह गए हैं। जो गैर मुस्लिम हैं, अंग्रेज़ लोग हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि कल जो है ना वो आज खा लिया तो कल की कल देखी जाएगी। वो कहते हैं नहीं, आने वाले टाइम में जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी की सिक्योरिटी क्या होगी, वो ये सोचते हैं, हमारी ये सोच नहीं है। तो काइंडली पॉलिटिकल मामलों से कोशिश करें बाहर आने की, सियासी मामलों से बाहर आएँ। मेन इश्यूज़ हमारे पाकिस्तान के क्या हैं, रिक्वेस्ट है कौम इस टाइम थोड़ी सी अकल में आई हुई है, कंपेन चला दें, कंपेन चला दें। जो आए हैं लास्ट टाइम भी, उसने भी इन मामलों में कुछ भी नहीं किया। मैं बात करूंगा इमरान खान की भी, हम सपोर्ट उसको करते हैं, लेकिन किया उसने भी कुछ नहीं। टाइम पीरियड को छोड़ दें, एक स्टेप होता है, आपने एक स्टेप चढ़ा दिया मुल्क को, ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में उसके पीछे बाकी गवर्नमेंट्स को भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया, कोई चीज़ नहीं की, जिसका दुख है हमें। स्टेप उठाएं, कंपेन चलाएं, सोशल मीडिया इस टाइम आवाम के हाथ में, आवाम के कंट्रोल में है। इस टाइम आवाम बहुत कुछ कर सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है अपने जितने ये देखने वाले हैं, कंपेन चलाएं, ओवरऑल कंपेन चलाएं, खुद से चलाएं कंपेन, खुद वीडियोस बनाएं, सारा कुछ करें ताकि पीछे इन लोगों तक पहुँचे कि अब आवाम मुल्क की तकदीर बदलना चाह रही है। अब कुछ खानदानों की तकदीरें नहीं हमने बदलते देखनी, अपनी तकदीरें बदलें, अपनी आने वाली नस्ल की, इस मुल्क का सोचें। काइंडली शेयर कीजिएगा वीडियो को, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जितना हो सके, मैं तो अब इस चीज़ में आ गया हूँ कि हमने किसी को गाली नहीं देनी, किसी एक को भी बुरा नहीं कहना, कोशिश करें ना ये काम करें, स्टेप उठाएँ इस मुल्क को बदलने का। कौमें जब स्टेप उठाती हैं ना तो ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं ना उनकी जरूरत नहीं बढ़ती कि वो उससे हट के कुछ करना शुरू कर दें। तो इसलिए ट्रेंड चलाएं इस मुल्क के लिए, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का, अल्लाह हाफिज़।